लालूगिरी लालूगिरी जी राम ने हजारों साल तपस्या करने के बाद भोलेनाथ को राजी किया कि आप हमारे साथ लंका चलिए। रावण ने हम आपकी पूजा विधि विधान से वही करेंगे। अच्छा हम यात्री हर हर महादेव। हम लोग जा रहे हैं गोला गोकर्णनाथ, जो भगवान शिव का बहुत ही प्राचीन मंदिर है। ये लखीमपुर खीरी डिस्ट्रिक्ट के पास पड़ता है, उसके अंदर आता है ये उत्तर प्रदेश राज्य में। तो आइए मिलके बाबा भोलेनाथ के महादेव के दर्शन करते हैं, गोला गोकर्णनाथ जी के दर्शन करते हैं। हर हर महादेव। महादेव साथियों, आज हम लोग निकले हुए हैं गोला गोकर्णनाथ के दर्शन करने के लिए, भोले बाबा के दर्शन करने, भोलेनाथ के दर्शन करने के लिए। रास्ता बीच में बंद था तो हम लोगों ने दूसरा रास्ता लिया। यार चीजें कहते हैं पीपल के पेड़ से होते हुए निकलना है। तो यहाँ पर मैं आया हुआ था अपनी मामी जी के यहाँ। यहाँ पर गोला गोकर्णनाथ बहुत ही पवित्र स्थान, तीर्थ स्थल है, बहुत ही प्राचीन मंदिर है। करेंगे भोले बाबा के दर्शन, महाकाल के दर्शन। जय महाकाल, हर हर महादेव। ये मंदिर काफी प्राचीन है। रावण एक बार भोलेनाथ जी को प्रसन्न करके हमारे साथ लेकर आया, राम ने हजारों साल तपस्या करने के बाद भोलेनाथ को राजी किया कि आप हमारे साथ लंका चलिए। रावण ने हम आपकी पूजा विधि विधान से वही करेंगे। अच्छा रावण ने कहा कि चलेंगे एक ही सर पे, अगर हमको कहीं बीच में रख दिया जाएगा। भोले बाबा ने कहा जाएं अगर बीच में कहीं रख दिया जाएगा तो वही रह जाएगा। ये सब जंगल एरिया था, ये यहाँ पे उनको कुछ अच्छा लगा तो गौ का रूप बना के एक चरवाहा था विष्णु भगवान का अवतार, यहाँ से 1 किलोमीटर दूर मेला लगता है। वहाँ पे जब लोकशंका लगी रावण को तो बोले आप हमारी शिवली रोक लो, लोकशंका करके आ जाएंगे। मूर्ति दे दी, लोकशंका चले गए।
फिर लौट के आया तो भजन बढ़ाया बाबा, बाबा ने वही स्थान ले लिया अपना, नाम बढ़ाया। बाद में बहुत नाराज हुआ, बाबा चलो बाबा चलो, तो बोलते बादशाह भूल चुका था, तो बोले अब फिर हमारा नाम कैसे चलेगा, बोले हम गोटे का निशान हमारे सर पे लगा, तो गोटे का निशान लगाया बाबू सर पे, इसीलिए रामगढ़ का नाम दिया जाता है। हमारा गोला गौ गोला गोकर्णनाथ बोला जाता है, गोला गोकर्णनाथ लखीमपुर जिला, हमारा जो गौ है गौ का नाम वो आकार हमारे यहाँ बनाया। अच्छा 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 जी, पुस्तक मिल जाएगी उसमें सब लिखा हुआ। बहुत बहुत धन्यवाद आपकी बाबा। सामने देखिए कितनी सुंदर प्रतिमा है इस कुंड में, ये बहुत ही सुंदर बहुत ही अद्भुत प्रतिमा गोल्ड कलर में है यहाँ पर, ये भोले बाबा की। We'll be right back.